रोड देखिए ये कितना खतरनाक है, बारिश भी आ रही है, पत्थर भी गिर रहे हैं ऊपर से। तो त्रिलोकनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं उदयपुर में। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। ये है इंडियाज मोस्ट डेंजरस रोड सीरीज, और इस सीरीज के दो एपिसोड हम आपको दिखा चुके हैं, जिसमें हम आपको लेकर आए पहले एपिसोड में दिल्ली से सिसु और दूसरे एपिसोड में लेके गए आपको बहुत ही फेमस त्रिलोकनाथ मंदिर में। इस एपिसोड में हम आपको पहले लेकर जाएंगे मृकुला माता मंदिर और फिर वहां से लेकर जाएंगे पांगी वैली। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। और मौसम ने ले ली है करवट, देखिए आप ऊपर सारे बादल आ गए हैं, पता नहीं आए कैसा मौसम मिलेगा। लेकिन त्रिलोकनाथ मंदिर से हम आपको लेके जा रहे हैं एक और बेहद खूबसूरत मंदिर पे, जो है मृगुल देवी मंदिर, और वो आपको मिलेगा आगे उदयपुर में। तो चलिए आपको वहां के दर्शन कराते हैं। तो हमारे सफर इस वीडियो में स्टार्ट होगा त्रिलोकनाथ मंदिर से, जहाँ से हम जाएंगे मृकुला देवी मंदिर और फिर टिंदी और पूर्ति गाँव होते हुए हम पहुँचेंगे किल्लाड़। हालांकि ये पूरा सर्किट जो आज हम कवर करेंगे दिखने में 100 किलोमीटर का है, पर यकीन मानिए इतना ऑफ बीट था, बिना रोड के रास्ता था, तो पहुंचते पहुंचते हमें पूरा दिन लग गया था। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कितना खूबसूरत सफर था। तो त्रिलोकनाथ मंदिर से निकलते ही, जस्ट कुछ दूर निकलते ही, हमें बहुत खूबसूरत जगह मिली है। देखिए शायद कोई रिस्पेक्टेड ब्रिज है ये, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्लैग्स तभी लगाए जाते हैं। क्या खूबसूरत है, देखिए। हालांकि फ्लैग्स को देखकर हमें समझ में आ गया था कि कोई रिलीजियस जगह है, लेकिन फिर हमें बाद में समझ में आया कि वही सप्तधारा है जिसके बारे में हमने आपको वीडियो में पहले बताया था। जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं या फिर इस वीडियो को से इस सीरीज को देख रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि त्रिलोकनाथ मंदिर की कहानी का बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है सप्तधारा से। लोकल्स के मान्यता अनुसार ऐसा बोला जाता है कि इसी सप्तधारा से रात को 7 लोग निकलकर आते थे और यहाँ जो गाय होती थी उनका दूध पी जाते थे। एक बार एक चरवाहे ने उनमें से एक को पकड़ लिया और पकड़कर मंदिर की ओर लाने लगा, तो वो मूर्ति पत्थर की बन गई और उसी की प्रतिमा त्रिलोकनाथ मंदिर में महादेव के रूप में पूजा की जाती है। जब हम यहाँ पर खड़े थे, इस वाटरफॉल की पॉजिटिविटी हमने अपने आप फील की, और लोकल्स ये भी बोलते हैं कि कितनी भी बारिश आ जाए, इस वाटरफॉल का पानी कभी भी मैला नहीं दिखता है, मिट्टी भरा नहीं दिखता है, वो हमेशा ऐसा ही दूधिया सफेद रंग का दिखता है। काफी समय सब धारा पर बिताने के बाद हमने अपने सफर को आगे जारी किया मृकुला माता मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट या बस से आ रहे हैं तो वो भी सेम रूट फॉलो करती है, त्रिलोकनाथ मंदिर होते हुए आपको उदयपुर ले जाएगी, और जहाँ बस रुकती है वहीं से एकदम सामने मंदिर आपको नजर आ जाता है। और ये इतना खूबसूरत रास्ता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर गाड़ी रोके कहाँ पर नहीं रोके, और हमारे जो पीछे का नजारा है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अभी आपको जूम करके दिखाते हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे ये बसा जो आपको शहर दिख रहा है, इसे बोलते हैं उदयपुर, जो कि चंबा के राजा उदय सिंह जी के नाम पर डेडिकेटेड है। आपको हम दिखाने वाले हैं उदयपुर का बेहद ही खूबसूरत ब्रिज, बहुत सुंदर है। तो अगर आप बात करें मोबाइल कनेक्टिविटी की, तो उदयपुर में आपको सब जगह अच्छे से सारे मोबाइल के नेटवर्क इजीली मिल जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो त्रिलोकनाथ मंदिर से कुल 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है मृकुला देवी मंदिर, जो बहुत खूबसूरत मंदिर और बहुत ही पौराणिक मंदिर है। आपको बताते हैं इस मंदिर की कहानी, अहमियत, सब कुछ। तो त्रिलोकनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद
हम लोग पहुंच गए हैं उदयपुर में, और उदयपुर में मेरे पीछे आप देख सकते हैं मृकुला माता मंदिर, जिस मंदिर के परिसर के बिल्कुल बाहर मैं बैठी हूँ। इस मंदिर की बहुत ही खास मान्यता है, वो क्या है वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। मंदिर मेन बाजार पे ही है, और मंदिर के आसपास आपको कुछ लोकल दुकानें मिल जाएंगे जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं और कुछ सर्दियों का सामान भी ले सकते हैं। तो हम अंदर दर्शन करके आ रहे हैं। मंदिर के अंदर की पॉजिटिविटी और पावर शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। एक ही लकड़ी के दाने से पूरा जो मंदिर है आप अंदर देखेंगे, नक्काशी हो रखी है, और महाभारत और रामायण के किस्से भगवान विश्वकर्मा ने खुद एक दिन के अंदर स्वयं पूरी नक्काशी की थी। उसके अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बट मंदिर इतना खूबसूरत है, और अंदर आपको भैरव जी और हनुमान जी दोनों तरफ दिखाई देंगे माता की तरह, उनके पहरेदार की तरह उनकी रक्षा करते हुए, बहुत ही भव्य। ये मंदिर 11वीं सदी में बना था और इसका डिज़ाइन कश्मीरी कन्नौजी डिज़ाइन के फॉर्म में है। आपको बता दें कि ये माँ काली का मंदिर है, और ऐसा बोला जाता है कि महिषासुर को मारने के बाद उनका जो खप्पर है वो इसी मंदिर में रखा गया है। ऐसा भी बोलते हैं लोकल्स कि उस खप्पर को जो भी देखता है वो ब्लाइंड हो जाता है, इसलिए उस खप्पर को कभी बाहर नहीं निकाला जाता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं जो हमें मंदिर के पुजारी जी ने बताया, कि मंदिर में दर्शन करने के बाद कभी भी आपको भूलकर ये नहीं कहना चाहिए कि चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसे बोला जाता है कि जो साथ में द्वारपाल हैं भैरव जी, वो आपके साथ चल देते हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, तो ये बात हम आपको हाईलाइट करना चाहेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं उदयपुर में, और सारा खाना पीने का सामान हमने जो है ले लिया है यहाँ से। अभी आगे निकल रहे हैं पांगी वैली के लिए, किलाड़ से होते हुए हम ट्राई करेंगे कि आज पहुँच जाएँ सुराल भटोरी। मौसम जो है वो ठंडा हो चुका है, पहाड़ों के ऊपर तो स्नोफॉल भी शुरू हो गई है, तो चलो आगे चलते हैं। एक बात आपको बता दें कि अगर आप लोग उदयपुर करीब 4-5 बजे के आसपास पहुंच रहे हैं, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आगे की जर्नी कंटिन्यू ना करें। आपके पास जब आराम से रोशनी के टाइम के 4-5 घंटे हैं तभी आप आगे जाएं, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही रिमोट है और आपको रुकने का खाने पीने का कोई साधन नहीं मिलेगा। आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आगे का जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही आप उदयपुर शहर को अलविदा कहते हैं वैसे ही पक्की सड़क भी आपका साथ छोड़ देती है, और इसके बाद पूरा कच्चा रास्ता है जिसपे गाड़ी हार्डली 20 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। उदयपुर से जस्ट निकले हैं, लेकिन निकलने का मन नहीं कर रहा, और वजह आपको अभी दिखा रहे हैं। उदयपुर से जो किलाड़ तक का रास्ता है वो बेहद ही रोमांचक से भरा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी सारा पक्का रोड नहीं है, तो इसलिए टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। करीब 2 घंटे हमें लग जाएंगे उदयपुर से किलाड़ पहुँचने में। और यहाँ के नज़ारों के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम बार बार गाड़ी को रोक रहे हैं, फोटोज़ क्लिक करा रहे हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी ट्रिप जा रही है। किसी ने बहुत सही कहा है, कच्चे रास्तों पे जो सफ़र आपको मिलेगा वो पक्की रोडों पे आपको कौन दिखा सकता है। यकीन मानिए, चंद्रभागा रिवर के साइड साइड जैसे हम चलते जा रहे थे, हर एक मोड़ के ऊपर एक से एक सुंदर लैंडस्केप हमें दिखता जा रहा था। पहाड़ और नदी ऐसे ऐसे माहौल बना रही थी कि शब्दों में हम आपको क्या बताएं।
आपको पूरे 7 वीडियो में दिखाते चलेंगे कितने सारे वाटरफॉल्स हमें मिले और हम हर मोमेंट पे हमारा मुंह खुला का खुला ही रह गया था। और आप जस्ट मेरे पीछे देखिए, वो नजारा देखिए, शानदार। रास्ते की अपडेट दे देते हैं। अभी फिलहाल हमें टिंडी से करीब 10 किलोमीटर पीछे और किलाड़ अभी करीब 65 किलोमीटर दूर है और टाइम हो गया है शाम के 4 बज चुके हैं। इस सफर पर सबसे पहला हमारा डेस्टिनेशन पड़ेगी वो है तिंदी गांव, जो कि उदयपुर से करीब 22 किलोमीटर दूर है। हमें पता था कि रास्ते में कुछ इतना ज्यादा खाने को नहीं मिलेगा, तो आप पीछे स्टॉक देख सकते हैं कि कितना सारा स्टॉक हम लोगों ने रखा हुआ है और इसके साथ साथ हमने बैग भी रखा हुआ है जिसमें हम ये सारा जो गंद है, जो प्लास्टिक है, उसमें डालेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये सफर बहुत लंबा है, इसलिए आपको टाइम से चलना होता है। इसीलिए शायद जो लोकल बस आपको यहाँ पे मिलती है वो भी मनाली से आपको सुबह 11 बजे मिलेगी, जो आपको किलाड़ लेकर जाएगी। अभी हम अपनी मंजिल जो किलाड़ है वहां से करीब 45 किलोमीटर दूर है और 5 बज चुके हैं। आराम आराम से हम लोग जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज हम सुराल बटोरी नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी देखते हैं कहां तक पहुंच पाएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरे रास्ते कितना ज्यादा ग्रीन पैच है। देखिए, हम लोग अप्रैल में ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन तब भी ग्रीनरी हमारे साथ साथ चल रही है। तो अगर आप बात करें बेस्ट टाइम यहाँ ट्रैवल करने की, तो मुझे लगता है अप्रैल से लेके आप जून तक यहाँ पे आ सकते हैं। मानसून में इस रोड को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि पूरा कच्चा है, बहुत पत्थर गिरेंगे, बहुत नाले आपके साथ आएंगे। इट इज़ नॉट अ सेफ रोड फॉर मानसून। अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो आप कोई भी गाड़ी लेकर इस टाइम पे आ सकते थे अप्रैल से जून के बीच में, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कितना स्किल ड्राइवर यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत समझदार ड्राइवर के रिक्वायरमेंट्स हैं। ट्रिकी पैचेस रास्ते में आपको मिलते रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप मानसून में यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप HRTC की बस से आ सकते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से वही सबसे सेफेस्ट और एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं जो इस रोड पर आपको लेकर आ पाएंगे। तो हम लोग फाइनली टिंडी पहुंच गए हैं, जो कि हमें एकमात्र गांव मिला है इस पूरे रोड पे अब तक, जहाँ पे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं लेकिन बंद है, कुछ लोग नजर आए हैं डेफिनेटली, और बहुत अच्छा लग रहा है। सही बताया तो इतनी देर बाद लोगों को देख के नज़ारे देखिए। माफ कीजिएगा, जब हम इस गांव को क्रॉस कर रहे थे तब तक हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि इस गांव को तिंदी कहते हैं, ना कि टिंडी जैसे मैंने प्रोनाउंस किया है। बहुत बार वीडियो देखकर लोकल्स काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, तो हम उनसे माफ़ी चाहेंगे हमारी प्रोनंसिएशन में गलती होने के लिए। इस सफ़र पर सबसे पहला हमारा डेस्टिनेशन पड़ेगी वो है तिंदी गांव, जो कि उदयपुर से करीब 22 किलोमीटर दूर है।
उदयपुर के बाद आपको तिंदी में छोटे मोटे ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। करीब एक घंटे का सफर करके हम लोग फाइनली तिंदी को क्रॉस कर रहे थे और अब हमारी अगली डेस्टिनेशन थी पुर्थी विलेज, जो कि यहाँ से करीब 27 किलोमीटर दूर है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम सबने जैकेट्स पहनी हुई थी और जैसे जैसे आगे चलते जा रहे थे मौसम और भी ठंडा होता जा रहा था। आगे बहुत ज्यादा बारिश और इनफैक्ट ऊपर माउंटेन्स पे तो बर्फ का माहौल हो रखा था और बारिश जो है वो लगातार आ रही है और बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे हैं हमें इस ट्रिप पर। और पीछे वहाँ पहाड़ों पर तो स्नोफॉल भी हो रही है, जबरदस्त एक नंबर। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ जिन पे बादल अलग ही अटकेलियां कर रहे थे और उनसे निकलते हुए खूबसूरत वाटरफॉल्स, बता नहीं सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा हमारा साथ दिया जा रहा था। और जिस तरफ हम रोड पे ड्राइव कर रहे थे वहाँ पे भी कॉन्टिन्यूसली बीच बीच में हमें वाटरफॉल्स मिल रहे थे जिन पर गाड़ी चलाने में एक अलग ही एक्साइटमेंट और एडवेंचर हो रहा था। हालांकि इस रोड का काम चल रहा है जोरों शोरों से, फिलहाल अभी तक नहीं बना हुआ है जैसे हमें देखने को मिल रहा है। और ये भैया हमें एक्चुअली में अकेले इंसान मिले जो दिखे इस रोड के ऊपर, यहाँ के लोकल होंगे, चढ़ के पूरे आदि कैलाश को कॉम्पिटिशन देते हुए और जो की नजारे भी दे रहे हैं। और आप रोड देखिए ये कितना खतरनाक है, बारिश भी आ रही है, पत्थर भी गिर रहे हैं ऊपर से। और अभी हम क्रॉस करने वाले हैं एक वॉटरफॉल को, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, देखिए। जैसा कि आप लोगों ने हमारी सचपास वाली सीरीज में देखा होगा कि चंबा सचपास किश्तवाड़ वाले रोड कितने खतरनाक है, लेकिन यकीन मानिए इस रोड पे चलना भी कम एडवेंचरस नहीं था। यहाँ पे भी काफी खतरनाक पैचेस हमें मिल रहे थे। ये पूरा रोड वैसे तो पूरा ही नैरो है, लेकिन कुछ कुछ पैसेज एक्सट्रीम पतले हो जाते थे और हम ये सोच रहे थे कि जब गाड़ी और ट्रक को क्रॉस करने में इतनी दिक्कत हो रही है तो दो बड़े व्हीकल्स एक साथ कितना मुश्किल से यहाँ पे क्रॉस करते होंगे। इसीलिए हैट्स ऑफ टू जो ड्राइवर जो इस रोड पे डेली में चलाते हैं। और बहुत ही देर के बाद इस रास्ते पर हमें पक्की रोड अभी मिलने वाली है। हालांकि हम लोग जा रहे हैं किल्लर किश्तवाड़ रोड पे, जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक रोड कहा जाता है, लेकिन फिलहाल जिस रोड पर हम चल रहे हैं वो भी किसी खतरनाक रोड से कम नहीं है। दिन ढलने को था और अंधेरा होने लगा था, लेकिन तब भी चारों तरफ जो वाटरफॉल्स थे वो अपनी खूबसूरती बरकरार रखे हुए थे और हमें चैलेंज हो रहा था कि कैसे आप लोगों के लिए इन्हें कैप्चर किया जाए क्योंकि लाइट काफी कम हो चुकी थी। और ऊपर पूरा श्रीखंड महादेव वाला हाल हो रखा है, फॉगी है, बर्फ गिर रही है और नीचे रिवर बह रही है।
अभी हम लोग फिलहाल पहुंच गए हैं पुर्थी की चेक पोस्ट पर, जो कि फिलहाल बंद है, और यहाँ से जो आपका किलाड़ है वो पड़ेगा 32 किलोमीटर दूर। मौसम इतना सुहावना था और शाम होने को थी, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा चाय पीने का मन कर रहा था और हम बस यही वेट कर रहे थे कि जल्दी से पुर्थी गांव आए और हम लोग किसी दुकान पर चाय पिए। सो फिलहाल हम लोग खड़े हैं पुर्थी में और बहुत ही देर के बाद हमें एक स्टॉल मिली है जहाँ से हम चाय पीने का ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ बनता है। सो यहाँ पर सभी तैयार हैं चाय पीने के लिए आई थिंक, और दूध भी हमारे पास लेकर आए हैं, और इसे कहते हैं चाय विद नजारे। और आपको बता दें कि उदयपुर के बाद जो है पुर्थी में ही हमें ये शॉप मिली है जहाँ पे कुछ खाने का है, इसलिए आपको कह रहे हैं कि खाने का लेकर चलें अपने साथ, क्योंकि जो अगर आप ये सर्किट कर रहे हैं तो आपको इतने ज्यादा खाने के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो ऑफिशियली हम लोग पांगी वैली में एंटर कर चुके हैं, आपको दिखाते हैं वाटरफॉल हमारी एंट्री करने पर ही हमें देखने को मिला। पहाड़ों की जो खूबसूरत शामें होती हैं उनसे तो आप सब रूबरू हैं ही, हम अपने हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि सनराइज और सनसेट ज़रूर आप लोगों को दिखाएं। जैसे जैसे सनसेट के हम लोग करीब आ रहे थे बहुत ही खूबसूरत कलर्स पूरे स्काई में आ चुके थे, और यकीन मानिए कि हम कितने भी अच्छे वीडियोग्राफर हैं, फिल्म मेकर्स हैं, लेकिन तब भी हम कहीं ना कहीं फेल कर जाते हैं वो रियलिटी में आपको दिखाना जो उस समय हमारी आँखें विटनेस कर रही थी। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। त्रिलोकीनाथ मंदिर से हम करीब 2 बजे चले थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें करीब 8:30 हो चुके थे, तो देखिए 6.5 घंटे आपको आराम से लगेंगे इस 100 किलोमीटर के पैच पे जो बहुत ही ज़्यादा रॉ है, और हम फाइनली किलाड़ पहुँच गए। तो 8:30 बज रहे हैं रात के और हम लोग किलाड़ पहुंच रहे हैं, हमने होटल करी है लेकिन रनिंग ढाबा में हम खाना खाने आए हैं, बाकी सारी अपडेट्स आपको हम खाना खाने के बाद दें क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है और गर्मा गर्म रोटी और खाना मिल रखा तो खाएंगे और फिर आपको कल सुबह से नई शुरुआत दिखाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे किलाड़ और वहां से आपको लेके चलेंगे पांगी वैली के एक बहुत ही खूबसूरत और अनटच्ड गांव में जिसका नाम है सुराल भटोरी, और वहां से आपको लेके जाएंगे इंडिया के मोस्ट डेंजरस रोड पे। तो सीरीज में बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।